वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब प्लेसमेंट में। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बिग न्यूज़ जो है अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में नया आदेश। तो लोक शिक्षक संचालन भोपाल का यह नया आदेश आज ही डाउनलोड किया गया है, पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल पर देख सकते हो, GFMS पोर्टल पर भी देख सकते हो दोस्तों। तो शिक्षक संचालन ने नया आदेश जारी किया है जो कि 15/5/2019 को यह आदेश लागू किया गया है। तो फ्रेंड, इस आदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी समस्या का हल बताया गया है। KYC को हम कैसे करते हैं, KYC यदि KYC नहीं हो रही है तो उसके लिए इसमें प्रावधान बताया गया है। साथ ही आपका आधार कार्ड लिंक हो गया है, आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, गलत आधार कार्ड चल गया है या आपकी समय गाड़ी में मिस्टेक है, वो भी हल की जा सकती है। साथ ही उन दोस्तों के लिए भी खुशखबरी है जिनका मोबाइल नंबर यदि खो गया है, मोबाइल नंबर बंद पड़ा है या मैसेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी इसमें समस्या का हल बताया जा रहा है एक वीडियो में। साथ ही आपको जो PDF मैं दूंगा उसमें भी आपको हर प्रकार की जानकारी का समाधान मिलेगा दोस्तों। इस वीडियो में एक और जानकारी है उन अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए जिनका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट नहीं हो रहा है, जैसे 2009 से लेकर 13 तक के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो उनके लिए इस वीडियो में मैं आगे बहुत खुशखबरी देने वाला हूँ। इसके लिए लोक शिक्षा संचालक भोपाल ने इस आदेश में एक प्रावधान दिया है जिसमें एक उन्होंने प्रपत्र डाउनलोड किया है, तो उस प्रपत्र को आपको दोस्तों निकालना है। उसमें आप अपने कालखंड, पीरियड, इन सब की जानकारी आपको वेतन पत्रक दिखवाकर भरवाना है और प्राचार्य को जमा करना है दोस्तों, तभी आपका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों। सीधा चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल। एजुकेशन पोर्टल जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने गेस्ट टीचर वाला पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको लोक शिक्षा संचालक आज का आदेश इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लोक शिक्षा संचालक भोपाल ने 15/5/2019 को यह आदेश प्रिंट जारी किया है जो मुख्य रूप से अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो संदर्भ में देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश 407 FM धारा के तहत इस प्रकार से है जो 8/3/19 से दिनांक के संदर्भ में रखा गया है। जो राज्य शासन के संदर्भ है आदेश की कंडिका 2 के अनुसार अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुक्रम में NIC द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया JFM पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी, जिनकी प्रक्रिया निम्नानुसार की गई है। तो आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, तो फ्रेंड देखते हैं जैसे आवेदक के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, तो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक के द्वारा क्या क्या कार्यवाही यानी उसको क्या क्या करना चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदन पंजीकृत मोबाइल नंबर JFM पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, फिर वो आपका KYC कराएगा। KYC दो तरीके से कराएगा, जैसे एक आधार के द्वारा OTP के माध्यम से फ्रेंड, और एक आपकी बायोमेट्रिक माध्यम से होगा। इस रिपोर्ट ऑप्शन में डैशकोर्ड सत्य माहे प्रवृष्टि की उपरांत सूची प्राप्त होगी जिसमें उस सत्य में कार अतिथि शिक्षक की गेस्ट आई डी मिल जाएगी, अतिथि शिक्षक का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि की जानकारी सूची में मिल जाएगी, जिससे आप रजिस्ट्रेशन क्लेम फॉर्म भर सकते हैं, वो अपना वेतन पत्रक जनरेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ऑप्शन में गेस्ट आई डी, जन्मतिथि, सत्य और कैप्चर आदि के बाद स्लैम फॉर्म भरते हैं तो आपका उपस्थिति पत्रक फ्रेंड जनरेट हो जाएगा और प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि फिलैम फार्म में यदि दिवसों की संख्या में विसंगति या अन्य प्रकार की समस्या आती है तो फ्रेंड आपको रिमूव ऑप्शन पर जाना है और डिलीट कर देना है और फिर से आपको वही प्रोसेस अपनाना है, तब आपका फिर से नया अति उपस्थिति पत्रक जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड जी आपको आवेदन को इस प्रकार की अन्य प्रकार की जानकारी फिल करना है, अन्य प्रकार की रिपोर्ट जनरेट करना है, उसके बाद देखना है संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। तो फ्रेंड जब आप इस प्रकार की अपनी जानकारी फिल करवा दोगे तो उसके बाद ही संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई होगी। जैसे संस्था में आवेदन से प्राप्त प्लेम फार्म में अंकित उपस्थिति, कार्य दिवस का मिलान उपस्थिति पंजीयन से किया जाएगा, उनके दिवसों का किया जाएगा, सत्यापन उपरांत फार्म की हस्तरित एक प्रति आवेदक को, दूसरी प्रति संकल्प प्राचार्य तथा तीसरी प्रति अभिलेख के रूप में विद्यालय में रखी जाएगी। तो आपको फ्रेंड तीन प्रतियों में इस प्रकार के आवेदन अपने उपस्थिति पत्रक प्राचार्य को देना है। फिर संकुल प्राचार्य आहरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही यानी जो फ्रेंड संकुल प्राचार्य DO कोड में जनरेट आपका वेतन पत्रक करेगा, तो उसके बाद ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होगा। जैसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्लेटफॉर्म को कार्यालय में व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद ही अन्य प्रकार के DDO लॉगिन से प्लेटफॉर्म में संस्था प्रमुख सत्यापन उपस्थिति को अनलॉग रूप से JFM पोर्टल पर दर्ज कराएगा।
उसके बाद ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होगा। जिला शिक्षा का अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई भी है, तो फ्रेंड जिला अधिकारी के द्वारा जैसे संकुल द्वारा की गई कार्रवाई के पूर्व होने के पश्चात लॉग प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन आईडी पर प्रदर्शित होंगे। जब फ्रेंड जे आपका उपस्थिति पत्रक प्राचार्य महोदय संकुल लॉक करवा देंगे, उसके बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी के कोर्ट में जनरेट होगा, तब जाकर आपका अनुभव प्रमाण पत्र फ्रेंड सही तरीके से निकलेगा। तो इस प्रकार का आदेश आपको दिया गया है, तो फ्रेंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपना कार्य दिवस इस प्रकार की प्रकार निकाल कर आपको जनरेट करवाना है। तो एक उपस्थिति सत्यापन पत्रक, तो यह फ्रेंड उपस्थिति सत्यापन पत्रक आपको प्राचार्य के द्वारा जनरेट करवा के दिया जाएगा, जिसमें आपका हर प्रकार का कार्य दिवस जिसके विरुद्ध आपने कार्य किया, जैसे वर्ग एक वर्ग दो इधर आपको जिस जिसके लिए आपने कार्य किया है वो उधर आपका इधर जनरेट क्रमबद्ध होगा, इधर आपका माह भरे जाएंगे, इधर संस्था के दिवस भरे जाएंगे, संकल्प प्राचार के आधार पर कार्य दिवस होगा। इस प्रकार का पोर्टल से आपका आदेश फ्रेंड्स दिखाया जाएगा, उसके बाद सत्यापन किया जाएगा। जो यूनिक आईडी आप लोगों ने देखी होगी उसके आधार, तो फ्रेंड देखते हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप GFMS पोर्टल MP.gov.in पर आप लॉगिन करते हैं। इस प्रकार से आप देखते हो फ्रेंड के इधर से आप एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हो। एक्सपीरियंस जनरेट करने के बाद इस प्रकार की विंडो आपकी आएगी, राइट में आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे हाँ KYC सेकंड ऑप्शन में आपको लिखा है, तो सेकंड ऑप्शन में आपको जाना है, KYC करना है। KYC करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, समय गाड़ी लिंक दोनों होना चाहिए, साथ ही आपके आधार कार्ड और समय गाड़ी में मोबाइल नंबर भी ये लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड और समय गाड़ी में एड्रेस डेट ऑफ बर्थ सब एक सा ही होना चाहिए, तभी आपकी KYC सही मानी जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से इसमें इस वीडियो में आपको KYC दिखाई दे रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए जो कि जिनका अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है या एक्सपीरियंस में अन्य प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र दावा कर सकते हैं। दावा करने के लिए आपको इस PDF के द्वारा इस प्रकार का प्रपत्र आपको डाउनलोड करना है, जैसे उपस्थिति सत्यापन पत्र, इस प्रपत्र को आपको निकालना है फ्रेंड। इसमें आप अपनी वेतन के आधार पर माह कार्य दिवस के आधार पर आपको फिल करवाना है और संकुल में जमा कर देना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको ये आधार दिखाई दे रहा है, संकुल कार्यालय, संकुल प्राचार्य, अतिथि शिक्षक, अनुभव, तभी जाकर आपका अनुभव इस प्रकार का सत्य बाई सत्य निकलेगा, जिसमें लिखा है जैसे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, गेस्ट आईडी इधर रहेगा, इधर अतिथि शिक्षक का नाम रहेगा, इधर आधार नंबर रहेगा, जैसे सत्य 2011 या 12 में जिसने कार्य किया है तो उसका है, इधर वर्ग एक या दो या तीन में जिसने कार्य किया, कुल कार्य दिवस रहेंगे 15-16 में जिसने कार्य दिवस किया है, 17-18 में जिसने कार्य दिवस, तरीके का आपका अनुभव जनरेट किया जाएगा। इधर संकुल प्राचार्य होंगे, इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापन होगा, तभी आपका अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। साथ ही उन अतिथि शिक्षक के लिए यह जानकारी भी है, जैसे जिसका पता या जिसके में अन्य प्रकार की जानकारी गलत चढ़ी हुई, इसलिए यदि आवेदन सत्यापित नहीं हो रहा तो आपका स्कोर कार्ड भी जनरेट नहीं होगा। समस्त आवेदन 25 मई 2000 संकुल में जाकर करवा सकते हैं फ्रेंड। इसकी डेट भी बढ़ चुकी है, तो आप अपने मेरे वीडियो को पूरा देखिए, जानकारियों को शेयर करिए। साथ ही पोर्टल में एक और सुविधा दी गई है कि मोबाइल नंबर बदले कहाँ से जाएं। जिन अतिथि शिक्षकों का मोबाइल नंबर यदि खो गया है तो वो इस प्रकार से dpi.atithi.gmail.com पर जाकर ईमेल कर सकता है। ईमेल में अपना जिसका मोबाइल नंबर जो खो गया है या बंद पड़ा है वो मोबाइल नंबर डालना, नया जनरेट मोबाइल नंबर इधर सबमिट करना और सिग्नेचर करके इस प्रकार से आपको ईमेल कर देना है, तो फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। इधर जिस अतिथि शिक्षक का आधार कार्ड गलत है तो वो इस तरीके से प्रोसेस कर सकता है। इधर जिसका यदि समय गाड़ी में मिस्टेक है तो वो भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। जैसे मैं आपको इधर बता रहा हूँ आधार कार्ड के लिए आपको क्या करना है, जैसे इधर आपको सीधा नाम लिखना है, इधर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, गलत आधार कार्ड लिखना है, सही आधार कार्ड सिग्नेचर करना है, उक्त ईमेल पर आपको इस तरीके से भेज देना है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आपका जैसे समय गाड़ी में मिस्टेक है तो नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, गलत समय गाड़ी सही मोबाइल नंबर हस्ताक्षर जानकारी फिल कर देना। तो फ्रेंड मेरी जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।